हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। SC ST डिपार्टमेंट की तरफ से डिफरेंट SSD स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। रेजिडेंशियल स्कूल्स रहेंगे जिसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर यानी NTT, PRT, TGT, PGT सभी पोस्ट में वैकेंसी है। आवेदन की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आवेदन करना है। टैट या सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पोस्ट देख लेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है अलग अलग पोस्ट वाइज, उसके बाद क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। यहाँ पर 10 नंबर पर जो हिंदी है, तो हिंदी में एनी टीचर ट्रेनिंग, कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए भी इन्होंने अलग से क्वालिफिकेशन दी है। MCT जो पोस्ट है जिसमें NTT वाले, 154 वैकेंसी है, तो इसमें 12th आर्ट्स या साइंस के साथ में 50% मार्क्स आपके, साथ में CT। TGT आर्ट्स की वैकेंसी है 2 है, TGT साइंस PCM वाले 3 वैकेंसी है, TGT साइंस CBZ वाले 4 वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में और BEd चाहिए। PGT इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, PGT उड़िया में 2 वैकेंसी, PGT बॉटनी में 1 वैकेंसी, PGT फिजिक्स में 2 वैकेंसी, PGT मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी। तो PG आपकी इन सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स के साथ में और BEd। हिंदी और संस्कृत के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग से दी हुई है, तो यहां देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में दिया हुआ है, संस्कृत और हिंदी के लिए अलग। संस्कृत टीचर के लिए बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव या ऑप्शनल या ऑनर सब्जेक्ट, तो आपने संस्कृत जो है किसी रूप में पढ़ी हो स्नातक में, 50% मार्क्स के साथ में, और शिक्षा शास्त्री कोर्स आपका होना चाहिए या फिर शास्त्री संस्कृत विद मिनिमम 50% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। हिंदी के लिए कहा है कि बैचलर आप यानी स्नातक आप हो और हिंदी आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, इलेक्टिव ऑप्शनल या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में, 50% मार्क्स के साथ में, प्लस हिंदी शिक्षण पारंगत फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से किया है, कोई भी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन इनमें से जो दी है, BHed किया है आपने या BEd हिंदी में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रॉम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से एक और ऑप्शन है, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में और राष्ट्रभाषा रत्न फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वारदा से, शास्त्रीय हिंदी फ्रॉम ओडिशा रत्न भाषा परिषद पुरी से, स्नातक, ठीक है, बहुत सारे जो है इसमें ऑप्शन है हिंदी के लिए, ठीक है, या फिर आपने BEd की हो। बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है ये वैकेंसी, ओडिशा राज्य में है, और ये पूरा फिल करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहाँ पर जो है सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि केवल जो है ओडिशा राज्य के कैंडिडेट ही जो है आवेदन कर सकते हैं। गेस्ट टीचर की वैकेंसी है प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर, सैलरी जो है यहाँ पर 12,000 रहेगी PRD टीचर्स के लिए, और 16,000 सैलरी रहेगी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर। बहुत सारे स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स जो कि रायगढ़ में है, किसी में भी जो है आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, सैलरी काफी कम है। तो ओडिशा राज्य के जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, ओडिशा से बाहरी राज्य के, तो उनका तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करें, क्योंकि इतनी दूर और सैलरी भी बहुत कम। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है आपको 10 सितंबर 2024 तक। अपने जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं, फोटोग्राफ लगानी है, और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है 10 सितंबर से पहले।
एनवलप के ऊपर जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी या टीजीटी फॉर गेस्ट टीचर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिलेगा। एज लिमिट यहां पर 62 ईयर है जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी है 65। बाकी जो है आपको पूरे साल क्या क्या करवाना है तो पूरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है। फिर टर्म एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, पोस्ट वाइज अलग अलग। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ पर 50% करियर वेटेज रहेगा, 30% टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, 20% इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम नहीं है, फीस भी नहीं है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है, केवल ओडिशा राज्य के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, नोटिस पर क्लिक करेंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। ये एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट टीचर इन डिफरेंट एसएसडी स्कूल ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रायगढ़। 21 अगस्त 2024 स्टार्टिंग डेट थी और एंडिंग डेट जो है 10 सितंबर 2024 5 बजे शाम तक, ठीक है। गेस्ट टीचर एडवर्टीजमेंट, तो इस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और पूरा विज्ञापन पढ़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी जिस भी राज्य की जारी होती है आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।